ट्रेंड्स की ट्रेंड की बात कर रहे थे कि ब्रीलियम और बोरान नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन मिलती है तो ये एक्सेप्शन किस तरह से आ जाती है वट इज़ द रीजन वो हमें समझना है एक्सेप्शन आपको याद भी रखनी है तो एक्सेप्शन लाइज इन दियर इट कैन बी अंडरस्टूड इन दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है इट इज वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ऑक्सीजन वन एस टू टू एस टू टू पी फोर अब अगर आप देखेंगे लास्ट शलिन इनका, नाइट्रोजन जो है इसका जो लास्ट पी सबशल है इसमें छः अलेक्ट्रॉनस आते हैं लेकिन इसमें तीन है तो लेकिन ऑक्सीजन के पी में चार है अब यहाँ पे टोटल छः आते हैं लेकिन इसमें हाफ है हमने पढ़ा है हाफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज दिज आर मोर सिमेट्रिक देयर इज लेस रिपल्शन जब सिमेट्री आ जाती है तो रिपल्शन भी अलेक्ट्रॉनस के बीच में कम हो जाता है <coughs> यहाँ पे चार अलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच में जो है रिपल्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे तीन ही अलेक्ट्रॉनस हैं ठीक है <coughs> टू अलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिट तो इस तरह से जो है आयोनाइजेशन इन्थॉलपी नाइट्रोजन की बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है एंड द सेम अप्लाइज टू द बोरान एंड द बेलियम बोरान और बरेलियम में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे बेरीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर चार वन एस टू टू एस टू ये एस बी कम्प्लीट ये एस बी कम्प्लीट लेकिन बोरान में क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी वन क्योंकि कम्प्लीटली है ये एस आर्बिटल दोनों तो दिस मोर स्टेबल इसलिए बेरीलियम का बढ़ जाता है किसे बोरान से अदरवाइज कम होना चाहिए था इस पर ट्रेंड दिस एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट यू विल रिमेंबर आज के लिए इतना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गैन इंथाल